एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट के बारे में, यानी कि 22 जून 1990, यानी कि 31 ईयर्स पहले रिलीज हुई प्रोड्यूसर धर्मेंद्र जी और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म घायल, जिसके स्टार्स है सनी देओल, मीनाक्षी शेजादरी, राज बब्बर, मौसमी चटर्जी, कुलभूषण करबंदा, ओम पुरी एंड अमरीश पुरी। ये फिल्म मैंने बांद्रा के मेरे फेवरेट सिनेमा हॉल गेटी गैलेक्सी में देखी थी और ये रहा 31 ईयर्स ओल्ड टिकट गेटी गैलेक्सी का। तो जब ये फिल्म की स्टोरी सब रेडी हो गई थी, स्क्रिप्ट रेडी हो गई थी, तो राजकुमार संतोषी ने मिथुन चक्रवर्ती को सुनाई थी एंड मिथुन चक्रवर्ती वाज सपोज टू डू घायल, लेकिन किसी कारण की वजह से वो कर नहीं पाए एंड द स्क्रिप्ट केम टू धर्म जी। तो धर्म जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी, उनको अच्छी लगी, उन्होंने बोला ये फिल्म मैं प्रोड्यूस करूँगा विथ माई सन सनी देओल, और इसी तरह से घायल फिल्म बन गई। और जब रिलीज का दौर आया 1990 में, तो 88-89 में पूरे रोमांटिक फिल्मों का दौर चल रहा था, तो उसके बीच घायल आई थी। तो डिस्ट्रीब्यूटर का और क्रिटिक्स का ये मानना था कि ये फिल्म नहीं चलेगी क्योंकि रोमांटिक दौर चल रहा है और एक एक्शन फिल्म कैसे चलेगी। और वो रिलीज़ भी हुई थी आमिर खान की फिल्म दिल के साथ, दोनों फिल्म एक दिन रिलीज़ हुई थी। वो रिलीज़ हुई थी बांद्रा टॉकीज़ में, बांद्रा का एक पुराना सिनेमा हॉल, और ये रिलीज़ हुई थी गेटी गैलेक्सी में। तो प्रॉब्लम ये हो गया था कि डिस्ट्रीब्यूटर सब परेशान थे, लेकिन जब फिल्म ऑडियंस ने फर्स्ट डे देखी तो देखिए थम्स अप टू घायल, और घायल सुपर ड्यूपर हिट बनी और इतनी बड़ी हिट बनी। घायल एंड दिल बोथ इतनी बड़ी हिट बनी कि उसकी दोनों फिल्मों की मिसाल आज तक दी जाती है। जब भी कोई नया हीरो आता है और उसकी फिल्म रिलीज होती है, अगर एक्शन फिल्म होती है और रोमांटिक फिल्म होती है, तो वो एक्टर घायल और दिल का ही एग्जाम्पल लेता है कि अगर अच्छी फिल्म हो तो डेफिनेटली चलेगी। हालांकि अजय देवगन ने भी जब अपनी पहली फिल्म आई थी फूल और कांटे, तब वो भी एक्शन फिल्म थी और उसके साथ रिलीज हुई थी लम्हे, लम्हे रिलीज हुई थी बांद्रा टॉकीज़ में और फूल और कांटे रिलीज हुई थी गैलेक्सी में। तब जब उनको पूछा गया था तब भी उन्होंने यही सवाल किया था, जवाब दिया था कि जब घायल और दिल रिलीज हुई थी तो रोमांटिक और एक्शन फिल्म थी, दोनों फिल्में सुपरहिट हुई थी, तो अच्छी फिल्म होगी तो डेफिनेटली चलेगी। तो घायल और दिल की आज भी मिसाल दी जाती है एंड घायल इज द बेस्ट एक्शन फिल्म मेड टिल डेट। जो सनी देओल ने एक्शन किया था, इतना कमाल का एक्शन किया था, इतना कमाल का डायलॉगबाजी मारी थी कि पब्लिक सीटियाँ तालियाँ और स्क्रीन के ऊपर पैसे भी फेंके थे। और रिपीट रन में भी ये फिल्म सुपर हिट हुई थी, जब दोबारा रिलीज हुई थी कुछ सालों के बाद, तब भी ये फिल्म हाउसफुल थी सब जगह पे, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और पिक्चर में सनी देओल की जो डायलॉग बाजी थी, स्पेशली जो जेल के अंदर थी, मतलब उतर कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में, यू बास्टर्ड, अरे लॉ माय फुट, अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे ही कमजोर मासूम लोगों पे दिखा अपनी मर्दानगी, वर्दी का रोप इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियाँ, बलवंत राय की नहीं, जाके दुम हिलाना बलवंत राय के सामने, तलवे चाटना, बोटिया फेंकेंगे बोटिया, अच्छा कर रहे हो इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत तरीके मिलेंगे तुम्हें, मेडल्स मिलेंगे, अरे भाग कर कहा जाता है बुजदिल, आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट यू बास्टर्ड, यू गॉट टू पे फॉर दिस। ये डायलॉग पे इतनी सीटियाँ, इतनी तालियाँ, इतने पैसे फेंके गए स्क्रीन पे कि दैट बिकेम द आइकॉनिक सीन। और उसके बाद सनी देओल के करियर का सबसे बेस्ट सीन माना जाता है अब तक, और वो सीन बहुत एक्टरों ने कॉपी भी किया उसके बाद, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। तो सनी देओल को नेशनल अवार्ड मिला, फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, घायल इज द ओनली इंडियन एक्शन फिल्म जिसको दो नेशनल अवार्ड मिले, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक्शन फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलना है, मतलब चने लोखंड के चने लोहे के चने चबाने के बराबर बात हो गई, लेकिन इट वॉज द बेस्ट एक्शन फिल्म मेड। तो सनी देओल के अलावा मीनाक्षी शेजादरी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, ओम पुरी वॉज सुपर, उनके डायलॉग में भी बहुत सीटियाँ बजी थी, अमरीश पुरी तो इज अ लेजेंड यार, तो अमरीश पुरी के परफॉर्मेंस की क्या बात करें, उनके हर एक सीन पे लोगों ने पूरा एंजॉय किया उनको, मतलब कि बीच में भी कुछ ऐसे सीन थे जहाँ पर सीरियस सीन में भी लोगों को हंसी आ गई थी, तब जबरदस्त परफॉर्मेंस था अमरीश पुरी जी का। उसके अलावा कुलभूषण करबंदा बहुत अच्छे थे, शरद सक्सेना ने भी अच्छा काम किया था, मौसमी चटर्जी एंड राज बब्बर दे आल्सो वेरी गुड।
ओवरऑल परफॉर्मेंस वॉज सुपर डुपर, और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे बप्पी लहिरी जी, और गाने भी सुपर हिट हुए थे। मुझे एक जो प्यार तुम मुझसे करती हो वो गाना बहुत सुपर हिट हुआ था, और दूसरा रो सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा वो गाना भी बहुत सुपर हिट हुआ था। सो ओवरऑल घायल वॉज अ वेरी वेल मेड, वेरी वेल स्क्रिप्टेड एंड वेरी वेल डायरेक्टेड एक्शन फिल्म, द बेस्ट एक्शन फिल्म मेड इन इंडिया टिल डेट। जो रॉ एक्शन था, रॉ एक्शन वो वैसी, ये आई थिंक द बेस्ट फिल्म मेड। हालांकि ऐसा नहीं कि एक ब्लो मारा एंड 10 पीपल आर फ्लाइंग इन द स्काई, वैसा एक्शन नहीं था, एकदम रियल रॉ एक्शन था जो लोगों को बेहद पसंद आया और आज भी लोग उसे याद करते हैं। तो फिल्म के जो डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी, उन्होंने इस तरह से डायरेक्ट की थी फिल्म, और आगे जाके सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी जबरदस्त बन गई, जो भी फिल्में की वो सुपरहिट हुई। तो आज घायल कंप्लीट्स 31 ग्लोरियस ईयर्स, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू धर्मेंद्र जी, सनी देओल जी, राजकुमार संतोष जी एंड एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ घायल फॉर कंप्लीटिंग 31 ग्लोरियस ईयर्स। सो गाइस यू नो सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन दिस बाय बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।